हेलो, मैं हूं सुप्रीत और आप देख रहे हैं स्लैम अप रेसलिंग। तो टीएमसी ने रिपोर्ट किया है कि स्मैकडाउन लाइव सुपरस्टार जिमी उसो, जिनका असली नाम है जोनाथन सोलोफा फाटू, को अरेस्ट किया गया। रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि उसो और उनके वाइफ नयोमी के कार को एक पुलिस ऑफिसर ने रोका, क्योंकि उनका कार गलत डायरेक्शन में जा रहा था, एक वन वे रोड में। शराब की स्मेल आने के कारण पुलिस ऑफिसर ने दोनों को कार से निकलने का ऑर्डर दिया। सिर्फ जिमी कार से बाहर आया, जबकि नयोमी अथॉरिटी को समझा रही थी कि क्या हुआ। सिचुएशन थोड़ा आउट ऑफ हैंड निकल गया जब जिमी उसो ने अथॉरिटीज़ के साथ मारामारी करने की कोशिश की। एक पुलिस ऑफिसर ने तो सेल्फ डिफेंस के लिए अपना टेजर गन भी निकाल लिया, पर उससे पहले जिमी ने ऑफिसर का ऑर्डर्स फॉलो करने का फैसला लिया। उन्हें अरेस्ट किया गया डिसऑर्डरली कंडक्ट और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस के चार्जेस पर, और उन्हें बेल भी दिया गया। इस इंसिडेंट के बाद WWE ने PW Insider को एक स्टेटमेंट दिया कि जोनाथन फाटू खुद रिस्पॉन्सिबल है उनके एक्शंस के लिए। अभी देखना होगा इस पूरे कांड के वजह से कोई चेंजेस होता है उनके एलिमिनेशन चेंबर मैच में। क्या इस इंसिडेंट के बावजूद भी WWE ये मैच होने देगी या नहीं? अगर हम इस पर और भी कोई जानकारी मिलती है तो आपको मिलेगी यहाँ स्लैम अप रेसलिंग पर। अभी के लिए इतना ही। याद रहे लाइक और शेयर करना ना भूले, सपोर्ट करें Patreon पर, और सब्सक्राइब करें स्लैम अप रेसलिंग को और भी रेसलिंग न्यूज़ के लिए।